मैं अपनी बेटी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये अब मैं अलाउ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया एक तरफ और मेरी बेटी एक तरफ, इस बात को कभी मत भूलना। भैया भैया, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं बताइए तो? आपकी बेटी मेरे लिए भी बेटी जैसी है। इस घर की इज्जत पे कालिख पोत रही है। रात भर घर से बाहर एक अनजान लड़के के साथ पूरी रात घर से गायब है। वो कहाँ है, कैसी है, इसकी कोई जानकारी है आपको? जानते भी हैं कुछ? जानता हूँ मैं उसका पिता हूँ। उसके बारे में पता किया है मैंने। वो अभी दूसरे तरफ के घर में है। यानी? हाँ? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप भैया? दूसरे तरफ का घर मतलब जिनके साथ हमारा सांप नेवले का रिश्ता है, उनके घर में है आपकी बेटी? हाँ है, वो दूसरे तरफ के घर में ही है, खानदान में ही किसी के पास है। चलो हम वहीं चलते हैं। अरे भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात बोले बिना मैं नहीं रह सकता। आपके बढ़ावे के कारण ही ये सब हो रहा है इस घर में। ये बातें बाद में करें कल्याण, तुम जाओ, मैं आती हूँ। भाभी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात बोले बिना मैं नहीं रह सकता। आपके बढ़ावे के कारण ही ये सब हो रहा है इस घर में। गीत अपनी माँ को और कितना छोटा करेगी? गीत कितना? आइए 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 प्रताप जी, आइए आइए, प्लीज आइए आइए। आप लोगों ने आरती कर ली क्या? हाँ हाँ कर ली, सगाई के बाद विसर्जन है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा कुहेली कावेरी, तुम लोग कहाँ गई? यहाँ आओ। नमस्ते। आइए आइए। इनके स्वागत का इंतजाम करना होगा। जा आरती की थाली लेकर आ। सब कुछ रेडी है बड़ी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और क्या स्वागत करेंगे, अपनी बेटी तो आपके घर में दे दी है। हमारी बेटी तो दिन भर यहीं पर रहती है और बस संगीत संगीत करती रहती है। अरे क्या हुआ भाई, रिद्धि कहाँ हो? आओ। ये मेरा बहुत खास दोस्त है, मैं इसकी खूबियों का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये एक बहुत ही मशहूर सिंगर और तबला प्लेयर है। मुझे थोड़ा गाने बजाने का शौक है ना। इनका नाम है रिद्धिमान। ये आज यहाँ नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अरे लड़की वाले आए हैं, सब ऐसे चुप क्यों है? अरे तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ध्वनि दो, शंख बजाओ, अरे ढोल बजाओ। ढोल बजाएगा कौन? जमुना है कहाँ? वही तो। अरे जमुना कहाँ गई? हाँ अरे जमुना को बुलाओ ना कोई भाई। क्या हुआ? मैं क्या अंदर ही बैठी रहूंगी? मुझे लेकर नहीं जाएगी? हाँ मेरे पोते की सगाई है,
मैं उसे आशीर्वाद नहीं दूंगी, पोत बहू को आशीर्वाद नहीं दूंगी। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। जाएंगी बड़ी माँ, आप जाएंगी, 100 बार जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी आप? आपने मुझे कितनी बार सजाया बड़ी माँ, आज आज मैं आपको सजाऊंगी, और इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ यहाँ। हाँ बड़ी माँ। जमुना, ए जमुना! अरे तुझे बुला रही है, जा। नहीं नहीं गई तो सब डांटेंगे तुझे, सब गुस्सा करेंगे, जानती है ना तू। आज जो होना है हो जाए, मुझे मारे पीटे चाहे जो भी करे बड़ी माँ, लेकिन मैं आज आपको सजा संवार के नीचे लेकर ही जाऊंगी। हाँ बड़ी माँ, आज मैं आपको नीचे लेकर जाऊंगी। क्यों क्यों इतना अनादर होता है आपका? क्यों? आप कितनी अच्छी हैं माँ, तब भी इतना अनादर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए बड़ी माँ, मैं आपको सजाऊंगी, चलिए आइए। सजाएगी क्यारी, पागल लड़की। हाँ बड़ी माँ, आज मैं आपको अच्छे से सजाऊंगी, दुर्गा माँ की तरह सजाऊंगी मैं। आइए आइए। अच्छा, इस बूढ़ी औरत को ऐसे क्यों सजा रही है तू? आप तो बिल्कुल देवी भगवती जैसी दिखती हैं। मेरे पास इतनी प्यारी अगर एक दादी होती ना, मैं उन्हें पूरे दिन सजाती ही रहती। तो रह जाना यहाँ, किसने मना किया है? बड़ी माँ, इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। किसकी जगह कहाँ है वो कौन बता सकता है, सब तो उनकी इच्छा है। वो देख, फिर से फोन बज रहा है, मुझे उठाना भी नहीं आता। देखना किसने किया है। मैं? हाँ, देखना किसने फोन किया है। कौन बोल रही हो? खैर जो भी है, दादी को फोन दो। तुम बोल कौन रही हो वैसे? हेलो जी, मैं जमुना। तू दादी का फोन लेकर क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही? तू जमुना, तू क्यों बार बार मेरे सामने आ रही है? क्यों मेरे आमने सामने होने की कोशिश कर रही है तू? तुझे समझ नहीं आता मैं तुझे 1% भी सहन नहीं कर पाती, और तेरे हाथ में दादी का फोन कैसे आया? मैडम जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? गुस्सा क्यों कर रही है मतलब? मैं तो तेरी हिम्मत देख के हैरान हो रही हूँ। गंगा ढोली की बेटी विंध्यवासिनी राय का फोन लेकर क्या कर रही है? जी, मैंने उनकी इजाजत लेकर ही उनका फोन उठाया है। अच्छा, आप एक बात बताइए तो, विंध्यवासिनी देवी की पोती घर से बाहर
रात भर क्या कर रही है बताएंगी मुझे? जमुना, ये तू मुझसे पूछ रही है? Who are you? तू मेरी गार्डियन है, मेरी पेरेंट है, तू डिसाइड करेगी कि मैं कहाँ रहूंगी और कहाँ नहीं? आपकी जो गार्डियन है वो आंसू बहा रही है। कौन? आपकी माँ। Shut up. You just shut up. मैं तुम्हारे मुँह से अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू बिल्कुल चुप रहे बस। आप इतना क्यों चिल्लाती हैं? किस बात का इतना गुस्सा है? आज घर में इतना बड़ा उत्सव है, घर वापस आ जाइए। आज आपके भैया की सगाई है और आप हैं कि किसी लड़के का हाथ पकड़कर घर से बाहर चली गई हैं। हमारा गांव होता ना, आपकी ऐसी हालत होती आप सोच भी नहीं सकती थी। ए सुन, मैं तेरे गांव में नहीं रहती, मैं केदार राय की बेटी, मैं गीत राय हूँ, ये मेरा रुतबा है। इस सोसाइटी में मेरी एक जगह है। वैसे तू ये सब नहीं समझेगी, तू दादी को फोन दे। बड़ी माँ, फोन। कौन है? गीत मैडम है। गीत, कहाँ है तू? आपका फोन जमुना ने क्यों उठाया? तू भी अपने बाप की तरह मुझ पर चिल्ला रही है। मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती थी। मेरी एक बात का जवाब दोगी? हाँ, केदार राय का ये कैसा फैसला है? मैंने बहुत साल पहले अपने पापा का हाथ थामकर रेडियो स्टेशन में तबला बजाया था, तब से किसी ने घर में मेरा चेहरा नहीं देखा, और आज तू इस घर की बेटी होकर एक अनजान लड़के का हाथ थामकर बाहर चली गई, सारी रात घर नहीं आई। हाँ, इस बार केदार राय का क्या फैसला है? ये आप कह रहे हो? सुन बेटी, एक बात याद रखना, तू इस घर की बेटी है, घर की इज्जत है और सम्मान भी। आप ये सारी बातें जमुना के सामने बोल रही हो? आप जमुना के सामने मुझे बेइज्जत कर रही हो, नीचा दिखा रही हो? तू तो बिल्कुल जैसे अपने बाप पर गई है, जिद्दी और अहंकारी। आपको भी अगर मुझसे बात करने का मन ना हो तो मैं फोन रख देती हूँ दादी। पहले मेरी बात सुन गीत, मेरी बात सुन। बड़ी माँ, फोन मुझे दीजिए। घर आ जाइए मैडम, घर वापस आ जाइए। आज इस घर को बहुत सुंदर सजाया गया है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी है, घर आ जाइए। जस्ट शट अप, शट अप। गीत, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? इतना गुस्सा क्यों हो? जमुना मुझे ज्ञान दे रही थी, आज भाई की सगाई है, वो मुझे घर आने को बोल रही है। तो चलो घर वापस चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी वेद, मैं डिस्क जाऊंगी, रात भर मैं वही नाचूंगी। गीत, गीत तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, घर के कुछ रूल्स होते हैं। मैं नहीं जाऊंगी वेद। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, देखो मेरी तरफ देखो। मैं कुछ समझना नहीं चाहती, कुछ नहीं समझना है मुझे। ठीक है, तुम अगर नहीं समझना चाहती तो मुझे लगेगा कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वेद, प्लीज प्लीज गीत, घर वापस चलो। और रही बात उस जमुना ढोली की, उसे तुम अकेले ही सीधा कर दोगी। चलो। जीजा जी, सबसे मिलवा तो दीजिए। हाँ, परिचय करवा दीजिए। यह है रागिनी, इस घर की बड़ी बेटी, और ये हैं इस घर के मंझले बेटे कल्याण, कल्याण राय, और उनकी पत्नी मल्लिका। इस घर की छोटी बेटी कामिनी और उनके हस्बैंड संजय। ये हैं लड़के के पिता केदार राय, और ये हैं लड़के की माँ अनुराधा राय। वो मुझे
थोड़ी जल्दी है, मुझे निकलना होगा, मेरा एक फंक्शन है। आप गाना बजाना करते हैं क्या? जी हाँ, यही मेरा प्रोफेशन है। ओ, तो आप गवैये परिवार से हैं? क्यों, गाना गाने के लिए क्या गवैया परिवार से होना होगा? नहीं, वो हमारे बाप दादा के जमाने में हमारे उस घर पे कोठे वालियां आती थी, गाना बजाना होता था, उनके साथ बजाने वाले भी आते थे, तो आपका ताल्लुक उसी खानदान से तो नहीं है? ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये हमारे खास मेहमान हैं। आप सरासर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं केदार बाबू? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। डोंट टेक इट सीरियसली प्लीज। प्रैक्टिकल जोक। अरे दीदी, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा, बड़े भैया इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो ना, आजकल बड़े भैया सभी का अपमान करते रहते हैं। ए, तो चुप रहे हा? ज्यादा मत बोल बड़े भैया के बारे में, औकात नहीं और बड़ी बड़ी बातें। क्या कर रही है रागिनी? अच्छा ढोल बजाइए ना, ढोल बजाने पर हम सगाई का कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या हुआ, बुला जमुना को। मैं आ गई हूँ। जमुना, जमुना माँ को ले आई है, जो हम लोग नहीं कर पाए, मानना पड़ेगा, हिम्मत है उसमें। ऐ तू चुप कर, जमुना इतनी बड़ी है बड़ी भाभी की वजह से, बड़ी भाभी ने बढ़ावा देकर सर पे चढ़ाया है इसे, और माँ को देख, बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है, सजा धजा कर लेकर आई है माँ को सबके सामने। बिल्कुल सही, जैसे कोई महारानी हो। माँ कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल देवी जैसी। सचमुच जमुना की तारीफ नहीं करना मुश्किल है। अब विजयदशमी तो हो गई, आप लोग प्रणाम नहीं करेंगे? यही तो है इस घर की माँ। के मालिक केदार राय अपनी माँ को प्रणाम नहीं करेंगे? हाँ,
असल में प्रणाम कीजिए। केदार बाबू, माँ को प्रणाम नहीं करेंगे? हाँ वही, प्रणाम नहीं करेंगे? आप लोग कितने कल्चर्ड फैमिली है, क्या शान है आप लोगों की, खानदानी खून है आप लोगों का। आप माँ को प्रणाम कीजिए, फिर पूजा शुरू करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सगाई की रस्म। सुनिए, जाइए माँ को प्रणाम कीजिए, जाइए। क्या हुआ बड़े मालिक, प्रणाम कीजिए। इस बार विजय उत्सव में माँ को प्रणाम करेंगे ना? तेरे बाप दादा की कभी हिम्मत नहीं हुई और तू मुझसे सवाल कर रही है? क्यों, माँ दुर्गा के पैर छू सकते हैं, अपनी माँ के पैर नहीं छू सकते। मैं भी आपके बेटे के जैसा हूं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं बेटा। ये क्या, सबने प्रणाम कर लिया लेकिन जमींदार बाबू ने प्रणाम नहीं किया? भैया फंस गए हैं, अब सर झुका के माँ के पैर छूने ही पड़ेंगे। प्रणाम कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही शुभ कार्य शुरू होता है, जाइए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ सच में बहुत अच्छा लगा इन्हें देखकर, बिल्कुल ममता स्वरूप है, आजकल तो ऐसा दिखता ही नहीं। हाँ सच में, देखते ही सर झुक जाता है। राय बाबू, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको ऐसी माँ मिली है। क्या हुआ जमींदार बाबू, प्रणाम कीजिए ना। फिर चाहती क्या है तू? आप प्रणाम करेंगे या नहीं? अगर प्रणाम नहीं किया तो मैं सबको बोल दूंगी कि आप एक तबला बजाने वाली के बेटे हैं। आपकी माँ खान साहब की चेली थी, रेडियो स्टेशन में तबला बजाती थी। मर्यादा का बहुत अहंकार है ना? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? प्रणाम करेंगे या नहीं बताइए। मैं प्रणाम नहीं करूंगा। इनका नाम एक और परिचय है, असल में ये। चुप कर, बिल्कुल चुप रहे। तो फिर माँ को प्रणाम कीजिए। जमुना, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। तू समझ नहीं रही कि तूने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया है। मैं होनहार सपेरी हूँ, अच्छी बीन बजा लेती हूँ। जमुना प्रणाम
कीजिए। बहुत हिम्मत बढ़ गई है इसकी, देखो भैया को कैसे फंसा दिया। इस बेवकूफ लड़के की हिम्मत तो देखो। हाँ, अच्छा पाठ पढ़ाया केदार राय को। आज पहली बार जमुना को सलाम करने का मन कर रहा है। सच्ची सच्ची तुझे सलाम जमुना। ये ऊंचा सर तू ही झुका सकती थी। बहुत घमंड है और अहंकार भी। ये अहंकार और घमंड ने हमें हमेशा नीचा दिखाया है, बेइज्जत किया है। क्या हुआ? माँ को प्रणाम कीजिए या फिर मैं सबको बता दूं। विजयदशमी पर माँ के पैर छूने ही होंगे आपको, अपनी माँ के पैर। इस विजयदशमी पर माँ के पैर छूने ही होंगे आपको। शादी करके आई थी इस घर में, उस दिन मेरे इस सौतेले बेटे ने मेरे पैर छुए थे। आज इतने सालों बाद फिर से उस बेटे ने मेरे पैर छुए हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है जमुना, सिर्फ तेरी वजह से जमुना। आप रो क्यों रही हैं? नहीं, वो कुछ नहीं। आइए आशीर्वाद दीजिए। कहा था ना, विजयदशमी पर माँ के पैर छूकर आपको प्रणाम करना ही होगा। वही हुआ। इसके परिणाम के बारे में तू सोच भी नहीं सकती जमुना। तुम तीनों अब यहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। अब बस बहुत हो गया। जमुना ढोल बजा। हाँ बड़ी मालकिन, अभी ढोल बजाती हूँ। दिल खोल के ढोल बजाऊंगी आज। दूल्हे को बुलाइए। विजयदशमी पर माँ के पैर छूकर आपको प्रणाम करना ही होगा।
काले, ये हीरे की अंगूठी आप छोड़ आए थे। ऐसी हीरे जैसी लड़की हमारा संगीत अगर इनके हाथ में हीरे की अंगूठी नहीं पहना पाए तो फिर क्या सगाई पूरी होगी? मैं अब चलता हूँ। ये क्या कह रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे जाएंगे? थोड़ी देर रुकिए, रात हो गई है, खाना खा के जाइएगा। नहीं, मेरा एक फंक्शन है, मैंने बताया था आपको। नहीं नहीं, वो तो रात में है, अभी बहुत समय है, हम सबको थोड़ा अतिथि सेवा का मौका दीजिए। और आप तो गाना बजाना करते हैं ना, तो यहाँ भी थोड़ा गाना बजाना हो जाए। क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पर गाना बजाना होगा? हाँ, गाना बजाना होगा, लड़की को आशीर्वाद मिलेगा, ये गाएंगे और हम लोग सुनेंगे। डरिए मत, फंक्शन में जाने से जो पैसे आपको मिलेंगे वो पैसे मैं आपको यहीं दे दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? कितना लेंगे? 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000? मत भूलिएगा कि कभी राय परिवार के गाने बजाने की महफिलों में पैसे उड़ते थे, पैसे। केदार बाबू, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे खास मेहमान है, हमारे परिवार के बहुत ही क्लोज, फैमिली फ्रेंड भी कह सकते हैं। आप उनसे पैसों की बातें कर रहे हैं, ये सब क्या है? क्या करूं बताइए, गाने बजाने को राजी ही नहीं हो रहे, इसीलिए पैसे ऑफर किए। लेकिन आपके यहाँ तो गाना बजाना मना है। आज का दिन बहुत ही शुभ है, इसीलिए इजाजत दे दी। चलिए एक गाना गाइए। आप गाइए ना भैया, जब इतनी बार आपको बोल रहे हैं तो गाइए। भैया ने गाने के लिए क्यों बोला? कुछ तो जरूर हुआ है, भैया ने गाना गाने को बोला, यानी कुछ तो जरूर है। जो भैया गाने के पक्के दुश्मन हैं, जो भैया गाना नहीं सह सकते, जिंदगी भर माँ को एक ऐसे कोने में छोड़ दिया, वो भैया। बचपन में सुना था कि हमारे दादाजी आंगनवाड़ी जाते थे, भैया को पसंद नहीं था, और वही भैया आज गाना गाने को बोल रहे हैं। आखिर बात क्या है? भैया इतना बोल रहे हैं तो गाइए ना। जी गाइए ना, हम भी आपका गाना सुन लेंगे। गाना तो अच्छी चीज है, गाइए ना, हम भी सुनेंगे। सभी जब बोल रहे हैं तो सुनाइए ना, गाइए ना गाना। अच्छा, सब बोल ही रहे हैं तो गाइए ना रिद्धि भैया। अच्छा है, एटलीस्ट हमारी बेटी की सगाई पर तो गाना गाने का परमिशन दिया है इन्होंने, तो रिद्धि एक गाना सुना दो। घर की मालकिन ने आपको गाने के लिए नहीं कहा, शायद आप इसीलिए झिझक रहे हैं ना? अनुराधा, तुम भी कह दो, शायद तुम्हारे कहने से राजी हो जाए। रिक्वेस्ट कर दो ना, इसमें दिक्कत क्या है? आप गाइए ना। अब तो आप मना नहीं कर सकते रिद्धिमान बाबू, अब तो आपको गाना ही पड़ेगा।
आखिर बात क्या है? भैया ऐसे अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अब मैं तो गा ही सकता हूं, लेकिन तबला कौन बजाएगा? अब यहां कोई है जो अच्छा तबला बजाता है? क्या बोल रही है तू? अरे नहीं नहीं, वो मजाक कर रही है, इन्हें तबला बजाना नहीं आता। लेकिन तबले के बिना तो मैं गा नहीं पाऊंगा केदार जी। ये क्या, यहाँ किसी को तबला बजाना नहीं आता? ये तो लड़के वालों का अपमान है। नहीं नहीं, लड़के वालों का अपमान मैं कैसे होने दे सकती हूँ? मतलब? आप गाइए, मैं तबला बजाती हूँ। क्या बोल रही है? तुझे तुझे तबला बजाना आता है? आता है। आप बैठिए ना। तू तबला बजाएगी? हाँ बड़ी माँ, मैं बजाऊंगी। हमारे गांव में मैंने ढोल, मृदंग, नाल, तबला सब कुछ सीखा है। दोनों समय ठीक से खाना नहीं मिलता ना बड़ी माँ, लेकिन भूखे रहकर भी ढोल देखते ही मेरे शरीर में जोश आ जाता है। हाँ, जोश से भर जाती हूँ। बाबा के पास शुरुआत हुई मेरी। मैंने पहले चंडी मंडप में, आपने वो चंडी मंडप का नाम सुना है? वहाँ मृदंग बजाया था और वो मृदंग बजा के ही वहाँ मुझे लंगर का प्रसाद मिला था। और उसके बाद देखा था गोपीनाथ पाल का तबला बजाना। दूर से ही देखती थी मैं, वो घर में बैठकर बजाते थे, मैं दूर से सुनती थी और वहीं से मैंने तबला बजाना सीखा। मैं गोपीनाथ पाल की चेली हूँ। मैं बजा लूंगी। मैं उतना सब कुछ तो नहीं समझती, मतलब व्याकरण वगैरह नहीं समझती, ताल भी नहीं दे पाती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं बजा लूंगी बड़ी माँ, मैं बजा लूंगी। आप बैठिए ना।